हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये एक डायग्राम है आपके सामने। यहाँ पे लाइन NP इज पैरेलल टू लाइन QR एंड लाइन JM इज द ट्रांसवर्सल। तो जो डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी वो अभी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पेयर है, दैट इज द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल? तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट। मैं रिपीट करता हूँ, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट। यानी एंगल जे के पी, उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है? तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल के एल आर। तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी जब लाइन एन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर एंड लाइन जे एम इज द ट्रांसवर्सल। लाइन्स का पैरेलल होना कंपल्सरी है, तभी ये प्रॉपर्टीज वैलिड होगी। तो देयरफॉर एंगल जे के पी, एंगल जे के पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल के एल आर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। कैन यू, अब आपको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के फोर पेयर बनते हैं जब टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो कैन यू टेल मी अदर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स? सो वी मे टेक एंगल जे के एन एंड एंगल के एल क्यू। दूसरा पेयर होगा एंगल जे के एन एंड एंगल के एल क्यू। इन दिस वे वी कैन से दैट फोर, ऑल द फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हियर। नाउ वी विल सी अदर पेयर ऑफ एंगल्स, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। Each pair of alternate angles formed by a transversal of two parallel lines is congruent. जैसे corresponding angles के pairs congruent थे, similarly alternate angles के भी pairs congruent होंगे। तो we'll take an example. Angle JKN, this is one angle of exterior alternate angles. तो angle JKN की exterior angle कौन सी है? In the pair of alternate angles, one angle is angle JKN. What is the other angle? So other angle will be angle RLM. Both these angles will be congruent to each other. So alternate angles are congruent. So example likhte hain, angle JKN and angle RLM, or you can say angle MLR. So maine ye ek example liya hai exterior alternate angles ka. Can you give me one example of interior alternate angles which are congruent? तो example लेते हैं, angle NKL, इसकी alternate angle है angle KLR, and both these angles will be congruent. Angle NKL and angle KLR. तो अभी हमने क्या सीखा कि alternate angles formed by a transversal of two parallel lines are congruent. Now we will see properties of third pair, that is interior angles. So third pair is interior angles. Properties of interior angles. So ये properties तभी apply होगी जब lines parallel हैं. Each pair of interior angles formed by a transversal of two parallel lines is supplementary. Now what is the meaning of supplementary? सप्लीमेंट्री मीन्स जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल्स का सम। जैसे अगर एक एंगल है आई से 80 डिग्री, देन अदर एंगल इज 100 डिग्री, तो 80 प्लस 100 इज 180 डिग्री, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 120 डिग्री, तो इसकी सप्लीमेंट्री एंगल होगी 60 डिग्री। 120 प्लस 60 इज अगेन 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टी क्या है? Each pair of interior angles formed by a transversal of two parallel lines is supplementary. तो example लेते हैं, angle NKL. तो angle NKL
इसकी इस पेयर की दूसरी इंटीरियर एंगल क्या होगी, एंगल के एल क्यू, एंगल के एल क्यू एंड द सम ऑफ बोथ दीज एंगल्स विल बी 180 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, बट इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होती हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। व्हाट इज द अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज एंगल पी के एल एंड एंगल के एल आर, एंगल पी के एल एंड एंगल के एल आर, इन दोनों एंगल्स का भी सम होगा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम सभी एंगल्स की मेजर फाइंड करेंगे।